कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। गरीब बना करोड़पति। एक पिटोर नाम का गांव था। उस गांव में मोहन नाम का गरीब मजदूर अपने छोटे परिवार के साथ रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी, बड़ी बेटी और एक छोटा लड़का था। अपने परिवार को चलाने के लिए मोहन को गांव में जो भी काम मिलता उसे वो बड़ी मेहनत और ईमानदारी से करता था। मोहन की कई पीढ़ियों ने मजदूरी करके जो 4 बीघा जमीन कमाई थी वो भी साहूकार ने अपने दिए हुए कर्ज के कारण मोहन के पिताजी से हत्या ली थी। मोहन के माता पिता सब गुजर गए थे। अब मोहन के पास मजदूरी के सिवा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था। आज तो खाने का हो जाएगा, लेकिन कल का क्या? अरे भाग्यवान, फिकर मत करो, आज अपने काम का पैसा जरूर मिल जाएगा और नया काम भी मिल जाएगा। आज जमींदार से पैसे मिलते ही बाजार जाकर मैं किराना खरीद लाता हूँ। फिर मोहन पुराने काम के पैसे मांगने और नया काम ढूंढने घर से निकल पड़ता है। रास्ते में चलते चलते उसे अपने पहचान के कुछ लोग मिल जाते हैं। अरे भाई मोहन, इतनी सुबह सुबह कहाँ चल दिए? जा रहा होगा जमींदार के पास अपना पुराना हिसाब मांगने। और जमींदार इसे हर रोज की तरह कहेगा, भाई आज नहीं कल फिर आना। लगाते रहना भाई चक्कर पे चक्कर, लेकिन कुछ नहीं मिलेगा जमींदार के पास, ना पैसा ना ही काम। वैसे काम मिल भी गया तो पुराना हिसाब देकर आज का बाकी रखेगा वो जमींदार। इससे अच्छा तो साहूकार है भाई, आज का पैसा आज ही देगा और ऊपर से विदेशी शराब भी पिलाएगा। मतलब मेरे सामने उस साहूकार का नाम। अरे अपनी खुद की ही जमीन पर हम मजदूर की तरह और कितने दिन काम करेंगे? और वो हमें मजदूरी देकर खुद ही हमारे जमीन पर हजारों की कमाई करेगा। जरा सोचो कि हम उससे अपनी जमीन कैसे छुड़ाए। कुछ नया सोचो भाई। अच्छा तो तू क्या नया कर रहा है भाई? और तू जो काम करता है उसका तो तुझे पैसा भी समय पे नहीं मिलता, आया हमें नई सोच सिखाने। अरे मेरे भाइयों, जरा मेरी बात ठीक से तो समझो। वो साहूकार आपको नकली शराब पिला पिला कर बीमार करके एक दिन तुम्हारी बची हुई जमीन भी हथिया लेगा, फिर तब कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। छोड़ो भाई, ये तो गधा है, इसे कुछ समझ नहीं आएगा। ये तो उल्टा हमें ही माए बाप साहूकार के खिलाफ भड़काऊ पट्टी पड़ा रहा है। किसी को भला काम बताओ तो वो सामने वाला को ही बुरा और कम समझने लगता है और दूसरे को ही ध्यान की बातें सुनाने लगता है। चलो भाई। चलो भाई चलो, हम काम पे चलते हैं, नहीं तो साहूकार गुस्सा हो जाएगा। हाँ भाई चलो चलो, छोड़ो इसे समझाना। तो फिर इस तरह से आपस में बातें करके वो तीनों अपने रास्ते चले जाते हैं और मोहन अपने रास्ते निकल पड़ता है। चलते चलते रास्ते में मोहन सोचने लगता है कि ये बात तो सच है कि जमींदार वक्त पे अपनी मजदूरी की कमाई तो कभी देता नहीं, और कभी देता है तो थोड़ा थोड़ा पैसा देके दोबारा उसी के यहाँ ही काम पर आने के लिए बांधे रखता है। नहीं आए तो पैसा देने में बहुत देरी करता है, इसीलिए जमींदार अपनी मजदूरी की पूरी कमाई कभी एक साथ देता नहीं। इसी वजह से मोहन जमींदार से बहुत ही नाराज था और कुछ नई सोच आजमाने की सोच रहा था। कुछ नया सोचना होगा, लेकिन सोचे भी तो क्या और करे भी तो क्या। जो काम अपना खुद का हो, जहाँ से हर रोज नगद पैसा मिले, अपना घर चले, बड़ी बेटी की पढ़ाई भी अच्छे से शुरू हो जाए। इस तरह नई सोच में चलते चलते वो जमींदार के घर के सामने आ जाता है और घर के आंगन में खड़ा होकर आवाज लगाता है। जमींदार साहब, जमींदार साहब, माई बाप, क्या आप घर पर हो? हाँ। अरे मोहन आ गए तुम। बड़ी बड़ी मूछों वाला जमींदार अपने घर के दरवाजे से बाहर निकलता है और आंगन में खड़े हुए बैलों की तरफ देखकर मोहन से बोलता है। अरे आओ आओ मोहन, तुम्हारा ही इंतजार था, आज माडू बाजार जाना है, ये अपने पुराने बैल बेचने। माई बाप, क्या नई जोड़ी खरीदना है? अरे नहीं मोहन, अब इस बार नया ट्रैक्टर खरीद लेते हैं। नया ट्रैक्टर? अरे हाँ मोहन, नया ट्रैक्टर। अब ये बैल पालना हमें जमता नहीं, उन्हें खिलाओ पिलाओ और काम के वक्त आदमी बुलाओ, अब ये हमसे नहीं होता। एक बार ट्रैक्टर ले लिया तो चाबी लगा के काम चलाओ, वो हमें आसान लगता है। जी माई बाप, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नई सोच जैसी। जमींदार तो अपनी मोटर गाड़ी को किक मार के माडू बाजार की ओर निकल लेते हैं और मोहन यहाँ बैलों को अपने साथ लेकर पैदल ही माडू बाजार की ओर निकल पड़ता है। चलते चलते रास्ते में फिर मोहन को नई सोच सताने लगती है और अपने साथ चल रहे बैलों से बड़बड़ाने लगता है। हमेशा लोग बोलते हैं कि कैसा कलयुग आ गया है, अमीर आदमी अमीर होता जा रहा है और गरीब आदमी और गरीब।
मुझे तो लगता है कि सब गलत है, उनकी सोच ही गलत है। जमाने के साथ नई सोच अपनाते ही नहीं और अपनी नाकामयाबी की वजह से समाज में और अधिक गलत सोच फैलाते जाते हैं। अब जिस तरह जमींदार ने अपने फायदे के लिए नई सोच अपनाई, उसी तरह मुझे भी अपनी तरक्की के लिए कोई नई सोच अपनानी पड़ेगी। इसी सोच में मोहन माड़ू बाजार आ पहुँचता है। वहाँ बैलों के साथ गाय, बकरी, गधा, मुर्गी और अन्य प्राणी भी बेचने के लिए थे और उन्हें खरीदने के लिए लोगों की भीड़ भी अधिक थी। उसी भीड़ में मोहन अपने जमींदार साहब को ढूंढने लगा। उतने में ही भीड़ में से एक आवाज आती है, अरे मोहन, यहाँ अपने दाई ओर देखो, आया मालिक। जमींदार और व्यापारी बातचीत करते रहते हैं। नहीं नहीं काशी सेठ, ये दाम तो बहुत कम हो गया। आप बैल तो देखो कितने हट्टे कट्टे है, आप बेचोगे तो ज्यादा ही दाम में जाएंगे। जमींदार बाबू जाएंगे तो जरूर, लेकिन हम भी तो कमाने बैठे है, जरा हमारा भी तो सोचो। गांव-गांव में जाके बसेरा करना पड़ता है, कुछ ज्यादा नहीं लेकिन बैल देखकर दो बढ़ा के देता हूँ। अब इससे आगे एक आना भी ज्यादा नहीं दूंगा। ठीक है काशी सेठ, मुझे सौदा मंजूर है। अपने दावन में बैल बांध लो और मुझे नगद रोकड़ा दे दो, आज नया ट्रैक्टर खरीदना है। काशी सेठ बैल जोड़ी के पैसे जमींदार को दे देता है। पैसा लेकर जमींदार बड़ा ही खुश हो जाता है। फिर जमींदार मोहन को कुछ पैसे देकर दावन में बैल बांधने को कहता है। फिर जमींदार वहां से निकल जाता है। मोहन दावन में बैल बांधकर काशी सेठ को सलाम करने चला जाता है। सलाम काशी सेठ, मैंने बैल दावन में बांध दिए है। अच्छा, ठीक से बांधा है ना? हाँ, एकदम पक्का बांधा है सेठ। इनमें से कौन सा बैल मारता है? कोई भी नहीं, दोनों भी गरीब है और काम में भी बढ़िया है। अरे वाह, फिर तो अच्छा है, ये लो 10 रुपया इनाम के तौर पर। नहीं नहीं सेठ, मुझे बस अपने काम का ही पैसा चाहिए, और इस काम का पैसा तो मुझे जमींदार साहब ने पहले ही दे दिया है। आपको कुछ देना है तो मुझे नया काम दो सेठ। नया काम तो अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन ये 10 रुपए अभी ले लो, कुछ नया काम मिल जाएगा तो मैं तुम्हें जरूर बता दूंगा। फिर मोहन काशी सेठ से 10 रुपए लेके बाजार घूमने निकल पड़ता है। बाजार घूमते घूमते मोहन को एक परेशान आदमी मिल जाता है। उसका नाम था अकबर दादा, और मोहन उनसे उनके परेशानी की वजह पूछने लगता है। क्या हुआ दादा, आप इतने परेशान क्यों हो? अरे खबर ही ऐसे मिली है भाई, जो मेरे मुर्गे लाने वाली गाड़ी थी वो रास्ते में खराब हो गई है, और आज बाजार का पहला दिन है। मुर्गियां वक्त पर नहीं आई तो बाजार की यह जगह भी हाथ से चली जाएगी, और मैं जगह भी तो छोड़ नहीं सकता। मोहन इस अवसर का लाभ उठाता है और अकबर दादा को भरोसा देकर कहता है, आप परेशान मत हो दादा, मैं आपकी मुर्गियां लाके देता हूँ, बस आप कुछ पहचान दे दो ताकि आपकी मुर्गियां मैं ला सकूं। फिर अकबर दादा मोहन को अपने हाथ की अंगूठी देकर कहते हैं, ये लो मुराद नाम है मेरे भाई का, वो तुम्हें बेला गांव के रास्ते में मिल जाएगा, उसे ये निशानी दिखा देना, वो समझ जाएगा। निशानी लेके मोहन वहां से निकल पड़ता है और काशी सेठ के पास आ जाता है। उनको वही 10 रुपए वापस करके कुछ समय के लिए गधा भाड़े से मांग लेता है। काशी सेठ मोहन को पहचानते थे, इसीलिए वो उसे गधा भाड़े पे दे देते हैं। फिर मोहन गधा लेके बेला गांव की ओर निकल पड़ता है। बहुत दूर आने के बाद उसे एक मुर्गी की बंद गाड़ी दिखाई देती है। मुराद गाड़ी को ठीक करने में लगा हुआ होता है और मोहन उसके पास जाके बोलता है, क्यों मुराद भाई, आज के दिन गाड़ी ठीक होगी या नहीं, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? अजनबी आदमी को अपना नाम लेके बुलाने पर मुराद थोड़ा चौंक जाता है, और फिर मोहन उसे अकबर दादा ने दी हुई निशानी देकर सब बात बता देता है और कहता है, वहाँ आपके बड़े भाई परेशान है, मुझे जल्दी मुर्गियाँ लाने के लिए आपके पास भेजा है। फिर मुराद पूरी बात समझकर मुर्गियों की कुछ टोकरियाँ मोहन के लाए गधे पर लाद देता है। मोहन वो मुर्गियाँ बाजार में अकबर दादा के पास लेके आता है। इसी तरह मोहन 4 चक्कर लगा के सारी मुर्गियों की टोकरियाँ बाजार में लेके आता है। अकबर दादा मोहन की मेहनत और ईमानदारी देखकर खुशी से मोहन को 150 रुपये दे देते हैं। मोहन वो 150 रुपये लेके अपने गधे के साथ वहाँ से निकल पड़ता है, और यहाँ काशी से थोड़ा परेशान होते हैं, क्योंकि हमेशा जानवरों को चारा लाने वाली ट्रक इस बार बहुत ही महंगा चारा बेच रही थी, और काशी सेठ पर आमदनी शुरू होने से पहले ही खर्चा रुपया करने की बारी आ गई थी। फिर उतने में मोहन वहां आ जाता है। मोहन को पूरी बात पता चल जाती है कि इस बार जानवरों के चारे की कीमत बाजार में बढ़ गई है, और काशी सेठ को उनका गधा वापस करते समय मोहन कहता है, सेठ आप परेशान मत हो, मैं आपके सारे जानवरों का चारा अकेला ही कम दाम में ला कर दूंगा। अरे भाई,
50 से भी ज्यादा जानवर है, उन सबका चारा कैसे ला पाओगे? बाजार तो आज से ही शुरू हुआ है, अभी एक महीना और चलेगा। बस आप मुझे आपके और 3 गधे भाड़े पे दे दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। लेकिन हर दिन चारा लाने का कितना लोगे भाई, और वो भी महीना भर? आप बताओ कितना दोगे? पूरे जानवरों का एक दिन का ट्रक वाले 1700 रुपए मांग रहे हैं, मैं तुम्हें प्रतिदिन का 700 रुपए दे सकता हूँ। मगर तुम सारे जानवरों का चारा दिन भर में ला सके तो? मुझे सौदा मंजूर है सेठ। तो कल से काम शुरू कर दो, और ये 3 गधे अपने साथ रखो, चाहे तो इनका भाड़ा भी मत दो। फिर मोहन बड़ी ही उम्मीद से वहाँ से 4 गधे अपने साथ लेके अपने गांव वापस आ जाता है। दुकान से नगद सामान खरीद के मोहन अपने घर आ जाता है। मोहन की बीवी मंगल और बच्चे उन गधों को देखकर हैरान हो जाते हैं और मोहन को तरह तरह के सवाल पूछने लगते हैं। बाबा, क्या ये गधे अपने हैं? आपने इन्हें कहाँ से खरीदा बाबा? अब कौन सा नया व्यापार शुरू करने वाले हो आप? हाँ भाई, जरा रुको तो बताता हूँ सब। कल से हम चारा बेचने का काम करने वाले हैं, और जिन्हें हम चारा बेचने वाले हैं, उन्होंने ही ये गधे हमें काम करने के लिए दिए हैं। इसी तरह मोहन अपने घर वालों को सब बात बता के समझा देता है और दुकान का सामान मंगल के हाथ देकर कुछ अच्छा पकाने के लिए कहता है। गधों को अच्छे से बांध कर उन्हें चारा डाल देता है और रात को पूरा परिवार खुशी से भर पेट खाना खाकर सो जाता है। सुबह मोहन जल्दी उठकर कटाई का सामान और बड़ी बड़ी थैलियां रस्सी गधों पर लांघ के माडू बाजार की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में आने वाले जंगल से चारा कटाई करके गधों पर थैली के साथ लाद देता है और बाजार निकल पड़ता है। काशी सेठ मोहन को देखकर खुश हो जाते हैं। मोहन खुद ही सब चारा जानवरों को बारी बारी डाल देता है और फिर जंगल की ओर निकल पड़ता है। जंगल से चारे के लिए मोहन दिन भर में अंदाजन 9 बार चक्कर लगाकर आवश्यकता से भी थोड़ा अधिक चारा जमा करवाता है। अरे वाह मोहन, बहुत ही बढ़िया काम किया है तुमने आज। आज सारे जानवरों का व्यापार भी अच्छा हुआ और तुम्हारे साथ का ये सौदा भी अच्छा रहा है मेरा। शुक्रिया काशी सेठ, बस आपकी ही मेहरबानी है। अरे मेहरबानी कैसी, ये तो तुम्हारी मेहनत है भाई। ये लो 750 रुपए। लेकिन अपना सौदा तो 700 का था। अरे भाई, तुमने आज बाकी का काम भी तो किया है, इसलिए मैंने ये तुम्हें खुशी से दिए है। फिर इसी तरह से मोहन की एक अच्छी आमदनी की शुरुआत हो गई। हर रोज मोहन अच्छा काम करके अपनी कमाई बढ़ाने लगा। उसका परिवार भी खुश था। हर रोज सुबह जल्दी उठकर मोहन गधों को लेकर माडू बाजार की ओर निकल पड़ता और रास्ते में आने वाले मैदानों से, जंगलों से, तो कभी खाली खेतों से चारा काटकर बाजार में काशी सेठ को बेच देता था। गांव के लोग मोहन को गधों के साथ देखकर उस पे हंसने लगते थे और तरह तरह की बातें आपस में करने लगते थे, लेकिन मोहन ने उनकी ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लगा रहा। फिर एक दिन अकबर दादा से मोहन की मुलाकात हो जाती है। अरे भाई मोहन, क्या हाल है? अकबर दादा, आपकी दुआ से सब बढ़िया है। ये 4 गधे अपने ही हैं, हर रोज चारा काटो और काशी सेठ को बेचो। अरे फिर तो बढ़िया है। लेकिन भाई मोहन, यह माडू बाजार तो साल भर के लिए नहीं होता, महीना भर ही रहता है। अब और 20 दिन ही चलेगा, उसके बाद क्या? हाँ दादा, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। अब आप भी कोई नई सोच बताओ, मैं भी कुछ नया करना चाहता हूँ। चलो मैं रास्ते में तुम्हें सब बताता हूँ, बस मेरी मुर्गियों के दाने की बोरियां अपने गधे पे ले लो और अपने दुकान तक पहुँचा दो। फिर मोहन अपने गधों पे बोरियां लाद के अकबर दादा के पीछे निकल पड़ता है और अकबर दादा को अपनी पहले की सारी हकीकत बता देता है कि किस तरह से साहूकार ने उनकी जमीन हड़प ली और गाँव में उनके परिवार की हालत कैसी है। उसकी सब हकीकत सुनकर अकबर दादा उसे मदद करने की तय करते हैं। मोहन, क्या तुम भी मेरी तरह व्यापार करना चाहोगे? हाँ जरूर दादा, लेकिन मुझे इसकी कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है। देखो मोहन, तुम्हें तरक्की करनी है तो मैं तुम्हें अपने राज की बात बताता हूँ। मुर्गी का व्यापार शुरू करने के लिए और उसे बढ़ाने के लिए पहले तो अंडे देने वाली मुर्गियाँ खरीदो। उन अंडों को जमा करके उन पर मुर्गी बिठाओ। 1.5 महीने के अंदर तुम्हारी एक मुर्गी से उनके बच्चों की संख्या बढ़ जाएगी और 6 महीने में वही बच्चे बड़े होकर अंडे देने लायक हो जाएंगे। एक मुर्गी कम से कम 20 या 30 अंडे देती है। पहले तो मुर्गी को अंडों के ऊपर बिठाकर उनकी तादाद बढ़ाओ, फिर बाद में जरूरत के हिसाब से थोड़े अंडे बेचो या फिर कभी मुर्गी बेचो, तो इस तरह से तुम मेरी तरह मुर्गी का व्यापारी बन जाओगे। लेकिन मैं अंडे देने वाली मुर्गियाँ कैसे पहचानूंगा? कौन सी अच्छी, कौन सी बुरी और कितने में मिलेगी? अरे मैं हूँ ना, मैं सब बता दूंगा। मेरे पास कुछ अच्छी अंडी देने वाली मुर्गियाँ है, मैं तुम्हें वो सस्ते में दे दूंगा। तो फिर इस तरह से उनमें बात हुई और यूं ही बातों बातों में वो अकबर दादा के दुकान पर आ गए। मोहन ने सब दाने की बोरियाँ अकबर दादा के यहाँ उतार दी।
अकबर दादा ने बदले में दो अंडे देने वाली मुर्गियां मोहन को दे दी। मोहन ने और 8 मुर्गियां अकबर दादा से सस्ते में खरीद ली और घर जाके छोटी सी कुटिया बना के उस कुटिया में उन्हें रखने लगा और उनका दाना पानी करने का काम अपनी पत्नी और बच्चों पर सौंप दिया। मंगल को और थोड़ी बड़ी कुटिया करने के लिए बता दिया। दूसरे दिन फिर मोहन अपने रोज का काम करने के लिए बाजार चला गया और वापस आते समय फिर 5 अच्छा अंडे देने वाली मुर्गियां खरीद लाया। इसी तरह हर रोज मोहन बाजार से आते समय अच्छा अंडे देने वाली मुर्गियां खरीद के लाने लगा और उसी के साथ उनको लगने वाला अनाज भी लाने लगा। मोहन अब हर रोज जम के काम करता और अकबर दादा की मदद से अच्छी मुर्गियां खरीद लाता है। कभी अनाज लेता, कभी मुर्गियां खरीद लेता, चारा तो कभी घास की कटाई जम के करता और गधों पर लाद कर काशी सेठ को लाके देता। काशी सेठ का जानवरों का व्यापार भी अच्छे से चलने लगा था। फिर काशी सेठ का भी बहुत फायदा होने के कारण वो मोहन पर खुश होकर उसे थोड़ा ज्यादा पैसा दे देते थे। मोहन भी बचे समय में बाजार में किसी की भी मदद करके थोड़ा और पैसा कमा लेता। इस बार बाजार 10 दिन ज्यादा चला। इस साल फसल अच्छी होने के कारण व्यापार भी बहुत बढ़ा, सभी का इसमें बहुत फायदा हुआ। माडू बाजार उठने से पहले मोहन ने कम से कम 90 अच्छे अंडे देने वाली मुर्गियां खरीद ली थी और 12 अच्छी नस्ल वाले मुर्गे खरीदे थे और उसमें से कुछ मुर्गियों के अंडों से चूजे भी निकलने लगे थे। मोहन के आंगन में और घर में अब जगह कम पड़ने लगी थी। हर रोज चूजों की संख्या बढ़ने लगी थी। मोहन और मंगल वो देखकर नया झोपड़ा बांधने लगे। मोहन ने अब बाजार से मुर्गियां खरीदना बंद कर दिया और अकबर दादा की सलाह से सिर्फ सस्ता अनाज खरीदने लगा। फिर बाजार का वो आखिरी दिन आ ही गया। वहां से बाजार अब उठने वाला था। काशी सेठ ने बहुत कमाई की थी इस साल, इसीलिए काशी सेठ ने खुश होकर आखिर में मोहन को 1000 रुपए नगद इनाम दिया और उसी के साथ एक गधा भी हमेशा के लिए इनाम दे दिया। मोहन बहुत ही खुश था। अकबर दादा ने जो सलाह दी थी और मोहन ने जो पहले मदद की थी, इसलिए दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त और शुभचिंतक बन गए थे। बाजार बंद होने के बाद मोहन ने अपना पूरा ध्यान मुर्गियों पर रखना शुरू कर दिया था। मोहन अब कुछ अंडे बेचकर अपना गुजारा कर रहा था और बाकी अंडों से 1 महीने के बाद चूजे बाहर निकल आते थे। उनमें से कुछ बचते थे तो कुछ मर जाते थे। अब उनकी संख्या मिलाकर 1300 से अधिक हो जाती है। मोहन कुछ मुर्गियां रखता तो कुछ बेच देता, कभी अंडे बेचता तो कभी मुर्गियां बेचता। छोटे छोटे व्यापारी मोहन से मुर्गियां और अंडे खरीदने के लिए आने लगे। मोहन ने अब एक पक्का मुर्गी का फार्म बना लिया था। उसके पास बहुत सारी मुर्गियां हो गई थी और 4 आदमी उसके यहाँ काम करने आने लगे थे। देखते ही देखते 2 साल में मोहन की बहुत तरक्की हो गई थी। हजारों का व्यापार अब 1,00,000 रुपए कमाने की ओर बढ़ चला था। कभी कभी मोहन को उसके पुराने साथी मिल जाते थे और मोहन की तरक्की देख उससे मिलने आ जाते थे। भाई हमें माफ कर दो, हम ही ना समझते, हमेशा तुमको बुरा भला कहते रहे। हाँ भाई, हम सबको माफ कर देना। और जो तुमने कहा था वह सच निकला, साहूकार ने हमारी सारी जमीन हड़प ली। ब्याज 10 गुना ज्यादा बढ़ाकर मूल कर्जा 70,000 का अब 4,00,000 रुपए मांग रहा है और काम का पैसा भी अब देता नहीं और हमारे खेतों में पाव भी नहीं रखने देता। यही हम तीनों के साथ हुआ है भाई, हो सके तो आप हमें अपनी नई सोच में शामिल करके कुछ काम दे दो। मोहन के तीनों दोस्त मोहन से विनती करने लगे, उसे सारी बातें बताने लगे कि साहूकार उन्हें अब कैसे परेशान करता है और उनके घर की हालात अब कैसी है। मोहन ने उनकी सारी बातें सुनकर उनको जो पछतावा हुआ है वो जानकर उन्हें अपने मुर्गी फार्म में काम देने का फैसला किया। अरे भाई, देर आए दुरुस्त आए, मैं अपने फार्म पर आपको काम जरूर दूंगा। आखिर आप मेरे बचपन के दोस्त हो, परेशान मत हो और आपको आपकी जमीन भी मिल जाएगी। चलो हम आज ही तालुका जाते हैं, तालुकादार को सब बताकर और पुलिस बुलाकर साहूकार से आप तीनों के साथ मेरी भी जमीन छुड़वाते हैं। मोहन की बात सुनकर उसके दोस्त खुश हो जाते हैं और मोहन की नई मोटर गाड़ी में बैठकर तालुका पहुंच जाते हैं। वहां जाके चारों मिलकर तालुकादार को सब हकीकत बताते हैं कि साहूकार ने उनके कर्जों पर किसे ज्यादा ब्याज लगाकर गिरवी जमीन हड़पने का इरादा कर रखा है और गांव में कैसी नकली शराब का धंधा बना रखा है। तालुकादार उन्हें एक अर्जी देकर पुलिस थाने भेज देते हैं। फिर मोहन और उसके साथी पुलिस थाने पहुंचकर पुलिस को वो अर्जी देकर उनसे मदद मांगते हैं। पुलिस को लेके मोहन अपने गांव आता है।
अपने जमीन के कागज सब जमा करवा के साहूकार के पास चले जाते हैं। पुलिस के साथ मोहन दिगंबर गन्नू लालू को देख साहूकार डर जाता है। क्यों साहूकार, थोड़े से कर्जे पर ज्यादा ब्याज लगाकर लोगों को लूटने का धंधा अभी तक बंद नहीं हुआ क्या? और तो और लोगों की गिरवी जमीन भी हत्याने लगे हो, नकली शराब का धंधा करते हो, क्या आपने बाप का राज समझा है? कानून को अभी तक जानते नहीं क्या तुम? नहीं नहीं माए बाप, आपको कोई गलत फहमी हुई है, आपको मैं सब सही सही बताता हूँ, जरा घर के अंदर तो चलो। साहूकार पुलिस को रिश्वत देकर मामला अपने हित में लेना चाहता था, लेकिन ईमानदार पुलिस को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने साहूकार के साथ और सख्ती अपनाई। पुलिस को तुम लोग क्या रिश्वतखोर समझते हो? चलो अब थाने, थाने जाकर अच्छा मजा चखवाता हूँ तुम्हें। साहूकार डर के मारे माफी मांगने लगता है और कहता है, माफ कर दो साहब, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा, मैं इनकी जमीन अभी लौटा देता हूँ और अब सारा काला धंधा भी बंद कर दूंगा। साहूकार अपने पास रखे गिरवी जमीन के कागज मोहन और उसके दोस्तों को पुलिस के सामने ही लौटा देता है। मोहन मूल कर्जे का सही हिसाब लगाकर साहूकार को चारों का एक ही साथ कर्जा अदा कर देता है और अपने दोस्तों की जमीन भी साहूकार से छुड़वा लेता है। सभी दोस्त खुश हो जाते हैं और पुलिस साहूकार के गलत व्यवहार के कारण कुछ दिन कानून के तहत थाने ले जाती है। मोहन के दोस्त मोहन को शुक्रिया कहते हैं और अपने खुद के जमीन के साथ मोहन के मुर्गी फार्म पर भी काम करके बहुत अच्छा कमाने लगते हैं। अब सारा गांव साहूकार की परेशानी से मुक्त हो चुका था। मोहन का कारोबार भी बढ़ने लगा था, गांव के लोगों को भी अच्छा काम मिलने लगा था। सभी लोग अब नई सोच अपनाने लगे थे, खेती के साथ थोड़ा बहुत कुक्कुट पालन भी करने लगे थे। कुछ सालों में ही मोहन अब बड़ा जमींदार और मुर्गी फार्म वाला एक बड़ा व्यापारी बन चुका था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम अगर नई सोच को अपनाकर उसे करने की ठान ले तो अपने जिंदगी में बदलाव भी जरूर आएगा।